नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जी हां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि एट प्रेजेंट कर्नाटक की यात्रा पर हैं। यहां इन्होंने एक्चुअली में कई सारे जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन किया है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इन्हीं से जुड़ी समस्त जानकारी। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की यात्रा पर है। ध्यान रखना है कि जो कर्नाटक है एक्चुअली में वही राज्य है जहाँ आने वाले 2 से 3 महीने के अंतर्गत विधानसभा चुनाव होना है, और ऐसे कंडीशन में कर्नाटक में विद इन अ ईयर प्रधानमंत्री का ये 6वां दौरा है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्नाटक में तकरीबन 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा के आधारशिला और साथ ही साथ योजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शिलान्यास किया गया है। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है ये आता है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्नाटक में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का भी उद्घाटन किया गया। इसका नाम हुबली धारवाड़ श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन है जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसे अगर शॉर्ट में कहें तो इसे हुबली प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। और यह ध्यान रखना है न केवल भारत का बल्कि ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसकी कुल लंबाई 1507 मीटर बताई गई है। साथ ही इसे बनाने में जो खर्च है तकरीबन 20 करोड़ तक का आया है। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो हुबली रेलवे स्टेशन है असल में कर्नाटक के दूसरे सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। जो हुबली रेलवे स्टेशन है यह एक्चुअली में हुबली को बैंगलोर और साथ ही हैदराबाद, मुंबई और गोवा से कनेक्ट करता है। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्नाटक में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया गया है। यह एक्सप्रेसवे 10 लेन का है और इसकी जो कुल लंबाई है यह तकरीबन 118 किलोमीटर बताई गई है। इसे बनाने में जो कुल खर्च है यह तकरीबन 8,480 करोड़ रुपए का बताया गया है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से बेंगलुरु और मैसूर के बीच की जो दूरी थी जो कि पहले तकरीबन 3 घंटे का समय लगता था यह अब घट करके केवल 75 मिनट पर आ जाएगा। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे है यह दरअसल में NH 275 का ही एक हिस्सा है। साथ ही ध्यान रखना है इस एक्सप्रेसवे पर तकरीबन 4 रेलवे ओवरब्रिजेस, 9 मेजर और 40 माइनर ब्रिजेस, साथ ही साथ 89 अंडरपासेस और ओवरपासेस का भी कंस्ट्रक्शन किया जाना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्नाटक में ही मैसूरु कुशाल नगर 4 लेन हाईवे का भी उद्घाटन किया गया। जो मैसूरु कुशाल नगर 4 लेन हाईवे है इसकी जो निर्माण लागत है यह तकरीबन 4,130 करोड़ बताई गई है, और ये जो हाईवे होगा यह तकरीबन 92 किलोमीटर लंबा होगा। इस हाईवे के निर्माण हो जाने के बाद जो कुशाल नगर है और जो बेंगलुरु के बीच की जो कनेक्टिविटी है यह केवल 2.5 घंटे की रह जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्नाटक में IIT धारवाड़ का भी उद्घाटन किया। ध्यान रखना है कि यह जो IIT धारवाड़ है दरअसल में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही फरवरी 2019 में किया गया था, और अब यह बन करके तैयार हो गया है। इसको बनाने में जो कुल लागत है यह तकरीबन 850 करोड़ रुपए की बताई गई है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्नाटक दौरे के अंतर्गत जो कुछ इम्पोर्टेंट परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास किया गया उसके बारे में आज की इस वीडियो में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।